आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला लड्डू इन दिनों राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है। गुजरात की एक प्रयोगशाला ने लड्डू को बनाने में घी के साथ पशु की चर्बी और फिश ऑयल यानी कि मछली के तेल के इस्तेमाल किए जाने का दावा कर दिया। इसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिछली सरकार पर श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करने का महापाप का आरोप लगाया। इस मामले पर खूब राजनीति हो रही है तो वहीं दूसरी ओर संत समाज इन दावों से खासा नाराज नजर आ रहा है। किसने क्या कहा है, लड्डू में क्या कुछ मिलावट करने का दावा किया जा रहा है और ये कैसे मिलाया गया, सब आपको बताएंगे। मेरा नाम है आदर्श और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। दरअसल आंध्र प्रदेश में सत्ता बदलते ही 12 जून को ही तिरुपति मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की जांच के नमूने लिए गए थे। जांच रिपोर्ट 23 जून तक तैयार हो गई थी लेकिन खुलासा सितंबर में हुआ जब नायडू सरकार के 100 दिन पूरे हुए। जो रिपोर्ट सामने आई उसमें लड्डू बनाने वाले घी में जो चीजें पाई गई थी वो बताती हैं कि घी में तिलहन और वनस्पतियों के अलावा मछली का तेल और जानवर की चर्बी हो सकती है। ये जांच नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि एनडीडीबी के सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइफ स्टॉक एंड फूड यानी कि CALAF लैब में कराई गई थी। सामने आई रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा है वो घी मिलावटी और इसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो और लॉर्ड की मात्रा भी हो सकती है। एनिमल टैलो का मतलब पशु में मौजूद फैट से होता है और इसमें लॉर्ड भी मिला हुआ था। लॉर्ड का मतलब जानवरों की चर्बी से होता है और इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इसी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी हो सकती है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि कुछ परिस्थितियों के कारण गाय के घी में जानवरों की चर्बी और उनके फैट के अंश पहुंच सकते हैं और जांच में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आने की संभावनाएं। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सबसे पहले सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की विधायक दल की बैठक के दौरान ये दावा किया कि पिछली YS जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को भी नहीं बख्शा और लड्डू बनाने के लिए घटिया सामग्री और पशु चर्बी तक का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि तिरुपति मंदिर न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि देश और दुनिया के हिंदुओं के लिए गौरव का स्थान है। आंध्र प्रदेश सरकार ने दावा किया कि जिस घी से लड्डू तैयार किए जाते हैं उसमें मिलावट पाई गई। ये मिलावट पिछली सरकार के दौरान दिए गए घी के ठेके के चलते हुई। इसको लेकर मंदिर समिति तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने कहा है कि जिस ब्लैक लिस्टेड सप्लायर के घी में मिलावट मिली है उसे पूर्व की जगन मोहन सरकार ने ठेका दिया था। वहीं YSRCP ने पलटवार करते हुए कहा है कि सीएम राजनीतिक लाभ लेने के लिए घृणित आरोप लगा रहे हैं और नायडू के आरोपों को पूरी तरीके से YSRCP ने खारिज कर दिया है। हालांकि आंध्र प्रदेश सरकार या तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD जो प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करता है उसकी ओर से इस प्रयोगशाला रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता शर्मिला ने TDP और YSR पर राजनीति करने के आरोप लगाए और CBI जांच की मांग की। शर्मिला ने कहा कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, चंद्रबाबू नायडू की टिप्पणी परेशान करने वाली। दूसरी ओर BJP सांसद लक्ष्मण का कहना है कि लड्डुओं में जानवर की चर्बी का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरा हिंदू समाज इस घटना की निंदा कर रहा है। वहीं प्रसाद के लड्डू में मिलावट के दावे के बाद देश के संतों में भारी आक्रोश। अखिल भारतीय संत समिति ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर जो रहस्य उद्घाटन किया है वो बहुत ही गंभीर धार्मिक अपराध है। जगन मोहन रेड्डी की सरकार में प्रसाद में जानवरों की चर्बी से बने घी का उपयोग किया जा रहा था। अखिल भारतीय संत समिति का मानना है कि मठ मंदिर चलाना सरकार का काम नहीं है, लेकिन देश के 4 लाख मंदिर इनके कब्जे में हैं। प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाना धार्मिक रूप से अक्षम्य और बहुत बड़ा अपराध है, ये एक
षड्यंत्र है। वहीं जिस लड्डू पर इतना विवाद है, अगर उसकी बात करें तो ये खास लड्डू मंदिर की रसोई में बनाए जाते हैं, जिन्हें पोटू के नाम से जाना जाता है। ये दूसरे और तीसरे रास्ते के बीच की एक जगह है, जिसको संपंगी प्रदक्षिणम के अंदर माना जाता है। इन्हें बनाने के लिए टीटीडी बोर्ड हर महीने 42,000 किलोग्राम घी और 22,500 किलोग्राम काजू, 15,000 किलोग्राम किशमिश और 6,000 किलोग्राम इलायची के साथ साथ बेसन, चीनी और मिश्री खरीदता है। खैर, राष्ट्रीय विकास बोर्ड के तहत सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लिव स्टॉक एंड फूड लैब की रिपोर्ट में हुए खुलासे ने देश में नई बहस को जन्म दे दिया है। घी में बनाए जाने वाले लड्डू का उपयोग न सिर्फ भगवान को चढ़ाने के लिए किया जाता है, बल्कि भक्तों के बीच भी इसे बड़े पैमाने पर बांटा जाता है, जो इसे बड़े चाव से खाते हैं। वहीं दावों की सच्चाई क्या है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर खूब राजनीति हो रही। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।